CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 1 के छात्रों के लिए कार्यक्रम दादाजी। इस कार्यक्रम में दादाजी बिल और घोंसले के बारे में बताएंगे। आलेख श्याम सिंह शशि का है और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता। दादाजी आ चुके हैं और अब तुमसे बात करने वाले हैं। आइए दादाजी। बच्चों राम राम। राम राम दादाजी। राम 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 राम। प्यारे बच्चों, आज हम तुम्हें घर से बाहर ले चलते हैं। तुमने चिड़िया देखी है ना? वो कहाँ रहती है बताओ? चिड़िया कहाँ रहती है, कोई बच्चा बता सकता है? अरे भाई, चिड़िया के घर को क्या कहते हैं? हाँ, शाबाश, घोंसला। अच्छा, तो अब सब मिलकर बोलो। जैसे मेरा प्यारा घर। जैसे मेरा प्यारा घर। है घोंसला चिड़िया का घर। है घोंसला चिड़िया का घर। भाई सब मिलकर बोलो। जैसे मेरा प्यारा घर। जैसे मेरा प्यारा घर। है घोंसला चिड़िया का घर। है घोंसला चिड़िया का घर। प्यारे बच्चों, समझ में आई बात? चिड़िया के घर को घोंसला कहते हैं। क्या कहते हैं? घोंसला। हाँ, घोंसला। पर प्यारे बच्चों, ये बहुत छोटा होता है। बेचारी उसे घास फूस से बनाती है। रात में वो चिड़िया आराम से उस घोंसले के अंदर सोती है। जैसे तुम्हें अपना घर प्यारा लगता है, वैसे ही चिड़िया को अपना घोंसला प्यारा लगता है। अगर किसी का घर गिर जाए तो बेचारा कहाँ जाएगा? और अगर किसी चिड़िया का घोंसला गिर जाए तो वो कहाँ जाएगी? दूसरा घोंसला बनाने में बहुत देर लगेगी। लगेगी ना? अच्छा प्यारे बच्चों, सब मिलकर बोलो ये कविता। पहले मैं बोलूंगा, फिर तुम सब। हम चिड़िया से प्यार करेंगे। हम चिड़िया से प्यार करेंगे। उसका घोंसला नहीं छुएंगे। उसका घोंसला नहीं छुएंगे। भाई सब मिलकर बोलो, शाबाश। हम चिड़िया से प्यार करेंगे। हम चिड़िया से प्यार करेंगे। उसका घोंसला नहीं छुएंगे। उसका घोंसला नहीं छुएंगे। पूछो पूछो क्यों? क्यों? अरे तो इसमें पूछने की क्या बात है? घोंसला तुम्हारे घरों की तरह पक्का थोड़े ही होता है, वो छूने से गिर भी सकता है। दादाजी
बच्चों, तुम्हें एक और घर की बात बताता हूं। चूहे के घर की, क्या कहते हैं उसे? ओए होए, अरे भाई, चूहे के घर को क्या कहते हैं? बोलो बोलो। अरे नहीं जानते? अरे चूहा जहां रहता है उसे बिल कहते हैं। क्या कहते हैं? बिल। हां, चूहा जहां रहता है उसे बिल कहते हैं। ये बिल दीवार के भीतर होता है, जमीन के नीचे होता है। और बच्चों, चूहा तुम्हारी चीजें उठाकर ले जाता है अपने बिल के अंदर। अच्छा, तो अब एक कविता और बोलो। चूहा चीज उठा ले जाता, चूहा चीज उठा ले जाता, चुपके से बिल में घुस जाता, चुपके से बिल में घुस जाता। अरे सब बोलो। चूहा चीज उठा ले जाता, चूहा चीज उठा ले जाता, चुपके से बिल में घुस जाता, चुपके से बिल में घुस जाता। बच्चों, एक घर और बताऊं तुम्हें। जानते हो शेर कहां रहता है? ओए होए होए, अरे डरो नहीं प्यारे बच्चों, तुम भी तो शेर हो। बहादुर बच्चे कभी नहीं डरते। अच्छा, तो जानते हो शेर के घर को क्या कहते हैं? हैं? अरे सब चुप, कोई नहीं जानता। लो भाई, मैं ही बताता हूं। शेर के घर को मांद कहते हैं। क्या कहते हैं? मांद। हां, मांद। और बच्चों, इस मांद को गुफा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुफा भी कहते हैं। हां, जैसे तुम घर में रहते हो वैसे ही वो अपनी मांद में या गुफा में रहता है। प्यारे बच्चों, ये गुफा किसी पहाड़ यानी डूंगर में होती है, किसी जंगल में होती है। पूछो क्यों? क्यों? अरे तो इसमें पूछने की क्या बात है? शेर जंगल में ही तो रहता है, तुम्हारे पास थोड़ी रहेगा। अरे शेर तो जंगल का राजा होता है, जंगल का राजा। हां, उससे सब पशु डरते हैं। वो जब गरजता है तो सब पशु दुम दबाकर भाग जाते हैं। प्यारे बच्चों, तुमने भालू देखा है? शेर के डर से वो भी थर-थर कांपने लगता है, गीदड़ की तो घिग्गी बन जाती है। अच्छा बच्चों, अब चलो, जंगल में ज्यादा देर नहीं रहते। हां, तो चलो वापस चलते हैं। बच्चों, जंगल से तो हम वापस आ गए, लेकिन घर जाते जाते एक गाना हो जाए। बोलो बच्चों, गाना गाओगे? हां। अच्छा, तो सब बोलो जी हां। शाबाश, तो बोलो, जंगल से आते हैं, जंगल से आते हैं, अपने घर को जाते हैं, अपने घर को जाते हैं। सब बोलो बच्चों,
जंगल से आते हैं, जंगल से आते हैं, अपने घर को जाते हैं, अपने घर को जाते हैं, जंगल से आते हैं, जंगल से आते हैं, अपने घर को जाते हैं, अपने घर को जाते हैं। दादाजी की राम राम, जल्दी करके आना काम, दादाजी की राम राम, जल्दी करके आना काम। अच्छा भाई, अब जाता हूँ, राम राम। दादाजी राम राम। अब अच्छा राम राम। दादाजी राम राम। राम राम। दादाजी राम राम। ये तो तुम्हें आज मालूम हो गया कि घोंसला किसे कहते हैं, गुफा किसे कहते हैं और बिल किसे कहते हैं। अरे दोस्तों, बिल के नाम से मुझे गाना याद आ गया। तुम्हें ये तो मालूम है ना कि बिल में कौन रहता है? चूहा। और दोस्तों, चूहे का ही एक गाना भी था, वो भी तुम्हें याद होगा। चूहिया दौड़ियो रे, बिल्ली काटने को आई। क्यों ना दोस्तों, ये गाना आज मैं तुम्हें सुना दूं। सुनोगे ये गाना? अच्छा भाई, अगर तुम सब सुनना चाहते हो तो कहो जी हाँ। तो लो दोस्तों, सुनो ये गाना। चूहिया दौड़ियो रे, बिल्ली काटने को आई, चूहिया दौड़ियो रे, बिल्ली काटने को आई। चूहिया दौड़ियो रे, बिल्ली काटने को आई, चूहिया दौड़ियो रे, बिल्ली काटने को आई। नहीं निकलियो बिल से बाहर, रहियो अंदर छुपके। हाँ नहीं निकलियो बिल से बाहर, रहियो अंदर छुपके। बिल्ली रानी बड़ी सियानी आई तुपके तुपके, बिल्ली रानी बड़ी सियानी आई तुपके तुपके। ये न समझियो बिल्ली लड्डू बांटने को आई, चूहिया दौड़ियो रे बिल्ली काटने को आई, चूहिया दौड़ियो रे बिल्ली काटने को आई। पंजा एक उठाए बिल्ली बिल को सूंघ रही है, पंजा एक उठाए बिल्ली बिल को सूंघ रही है। चूहे राजा ये न समझियो बिल्ली ऊंघ रही है, अरे चूहे राजा ये न समझियो बिल्ली ऊंघ रही है। दिल्ली शहर की सबसे मोटी चूहिया इसने खाई, चूहिया दौड़ियो रे बिल्ली काटने को आई, चूहिया दौड़ियो रे बिल्ली काटने को आई। अरे बिल्ली का बस चले तो बिल के अंदर ही घुस जाए, अरे बिल्ली का बस चले तो बिल के अंदर ही घुस जाए। चूहे चाहे गले में घंटी बिल्ली ये बंधवाए, चूहे चाहे गले में घंटी बिल्ली ये बंधवाए। और तमाशा देख रहे हैं खड़े खड़े हम भाई, चूहिया दौड़ियो रे बिल्ली काटने को आई, चूहिया दौड़ियो रे बिल्ली काटने को आई। तो दोस्तों, तुमने अपने मन पसंद का गाना सुना, चूहिया दौड़ियो रे बिल्ली काटने को आई। और अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है और अब कहो जय हिंद। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।